ओम शांति। दोनों हमारे राज्यों के सीनियर जो है वो इनका जो दूसरों के साथ इंट्रैक्शन है वो दूसरी आत्माओं को मदद करता है। लोग भूल गए हैं साइलेंस रहने की आर्ट को, तो लोग जो हैं वो भूल गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो दूसरों के मन हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेशन से निकल रहे हैं। दोनों जो आत्माएं हैं वो भी हमें सिखाएंगे, जो हमें मदद करेगा हमारी और ताकि हम सच्ची सफलता को, सच्ची सफलता को अपने जीवन में पा सकें। सॉरी, वो पोयम इतना अच्छे से नहीं हो पाया। एंड अचीव इन लाइफ द ट्रू फ्रीडम, स्वतंत्रता को पा सके, और बहुत ही सुंदर पोयम थी। हम अपने सीनियर, हम इनका स्वागत करते हैं। मैं आपका बहुत ही स्वागत करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट को मैं भेजती हूँ। सभी सेंटर्स की तरफ से हमारा प्यार है आपके लिए, दोनों के लिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सिस्टर अनु। इससे पहले कि हम सिस्टर अनु सिस्टर को पास ऑन करें, हाउस ऑफ कीपिंग कंस्ट्रक्शन है हमारे। आप इंटरप्रिटेशन बटन को कर सकते हैं। हमारे पहले 50 मिनट पहले बातचीत होगी दोनों के बीच में, फिर उसके बाद अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, फिर हमारा Q&A होगा टॉक के बाद। इससे पहले कि हम शुरू करते हैं, गीता बहन ने मुझे कहा कि मैं दोनों से कहूंगी जो एकोमोडेशन है, लोग इस वैल्यू के बारे में इतना ज्यादा जानते नहीं है। इसको हम समान अनुकूलता कहते हैं, यानी कि फेवरेबल होता है दूसरों के प्रति। वो जो है वो दूसरों के लिए भी प्रतिकूल हो सके। दोनों के हिसाब से जो सच्चा मीनिंग है इस वैल्यू एकोमोडेशन का, क्या मतलब है? तुम दोनों ही जो है, आप दोनों 40 सालों से ज्यादा राजयोगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें एकोमोडेशन अपने जीवन में जो आपने दिखाया है उसका, आप बता सकते हैं हमें। दोनों को मैं कहूँगा कि ज्वाइन। गीता बहन आप पहले बोलो। आप हमारे से दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि इंग्लिश में बोलना है। ओम शांति। सभी को प्यार भरी नमस्ते हम देते हैं। बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है एकोमोडेशन का, जिसमें समान अनुकूलता है, जिसका मतलब इस समय जो है हम प्रैक्टिकली महसूस करते हैं ये पावर, ये वैल्यू जो है अपने जीवन में। हम मेरी प्रैक्टिकल जीवन में जब से हमने ये आध्यात्मिक जीवन शुरू किया है, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड और मैं देखती हूँ कि सभी जो हैं वो बहुत यूनिक हैं।
बहुत स्पेशल हैं, सब अलग-अलग हैं और स्पेशल हैं। अगर आप ये समझ नहीं कर पाते हैं, अगर आप उनकी इंटेंशन को नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें डाउट्स में ले जाती है और बहुत अदर फैक्टर्स में हमें ले जाती है। जो मैंने सीखा है दादी से, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया इस ईश्वरीय कार्य के लिए, तो हम जिस तरह का भी, जो भी गलतियां रही हों, वो दूसरों के साथ, दूसरों की, किसी की गलतियों को शेयर नहीं करते थे। जो तुम्हारी स्पेशलिटी है, जो आपने गलती की है, उससे वो कभी भी, क्योंकि ऑब्जर्व करने से और सुनने से नेचुरली आत्मा जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को वो एडजस्ट कर लेती थी और एकोमोडेट कर लेती थी। और अलग तरीके से जो भी हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो शब्दों में आ जाता है और शब्द जो हैं वो कभी कभी दुख देने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइलेंस रखते हैं, अपने समय को समझते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा देर शांत रहेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। हम उस इंसिडेंट को, वो घटना को हमेशा अपने जीवन में उस समय याद नहीं रखते। जो भी हम बात करते हैं, सबसे शेयर करते हैं, मैं अपनी सोच को बदलती हूँ, अगर मैं यहाँ पर हूँ मुझे क्या करना चाहिए, तो नेगेटिव पैटर्न की जगह हम उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो हम देखते हैं उसका फर्क जो है, न्यूट्रल और लविंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और इसलिए जो भी पार्ट ड्रामा में होता है, हम प्ले कर रहे हैं डिटैच ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा की तरह, तो हमें मालूम चल जाता है कि किस तरह से हमें जवाब देना है, कैसे कहना है और किस तरह से हमें कितना समाना है अपने अंदर। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उस समय किसी को हम जज ना करें कि पर किस तरह से वो तरीका, हम कारण की जगह निवारण को हम ढूंढते हैं ताकि एटमॉस्फेयर न्यूट्रल रहे और मेरे मन की जो अवस्था है वो शांत रहे। जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, हैज टू सम कुछ में कुछ तरह की वैल्यूज हो। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, यानी समाने की शक्ति है, वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से एकोमोडेट कर सकते हैं और इसके परे जा सकते हैं। हेमलता बहन, आपके जर्नी में भी बहुत सारी चीजें रही होंगी। आप बहुत सारे मेडिटेशन के फेजेस में गए हैं। आपको कैसे चैलेंज आए और आपने अपने जीवन में कैसे उसको अकोमोडेट किया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर गीता। ये जो शब्द अनुकूलता है, समाना है, ये बहुत जनरल शब्द है, अलग अलग एरिया में शब्दों से अलग अलग जुड़ा हुआ होता है। जब हम मधुबन में जाते हैं तो हमें कहते हैं हमें एकोमोडेशन चाहिए और हम अपना जगह लेते हैं वहां पर जहां हमें रहना होता है। जब हम आई स्पेशलिस्ट में जाते हैं, उनका भी शब्द होता है एकोमोडेशन। अलग अलग जगह पर जाते हैं, हम एकोमोडेशन शब्द यूज करते हैं।
वो कुछ स्पीकर्स चल रहे हैं पीछे, तो बहन उनको बंद करने के लिए जा रही हैं, पीछे से कुछ आवाज आ रही है। तो हम इस शब्द को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया कि किस तरह से हम अपने कॉन्शियसनेस को स्विच कर सके और फिर हम अपनी तरफ वापस आते हैं, हम डिस्टर्ब ना हो जब कोई भी ऐसी बात होती है तो। अनम्यूट कर लें या ओम शांति। सुबह मैं कहना चाह रही थी कि ये जो आदत है, नेचुरल इंस्टिंक्ट रहा है कि जो भी परिस्थिति आए हम उसको एकोमोडेट कर सकें। बचपन से ही स्कूल जाना, कॉलेज जाना या कुछ भी हम काम करते हैं, किसी भी रीजन से हम डिस्टर्ब ना हो, हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। जब मैं अपने स्टूडेंट जीवन में थी, हमारे पास बहुत बड़ा घर तो नहीं था, हमारा बहुत छोटा सा घर था और जो लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, वो नहीं आती थी। कहाँ बैठकर पढ़ें ताकि दूसरों को हम डिस्टर्ब ना कर सकें, तो मैं ऐसा छोटा सा जगह ढूंढती थी जहां पर मैं किसी को भी डिस्टर्ब ना करूं, बस मैं खाली बैठकर पढ़ूं, जो भी मुझे करना होता था। इसी तरह से टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ मैंने अपने जीवन में, मैं अपने खुद कम फैसिलिटीज को यूज करते हुए दूसरों को ज्यादा दे सकूं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई तो मैं इस ज्ञान के साथ में था, तो रूटीन का न्यू जो इस ज्ञान का रूटीन था वो थोड़ा सा अलग था, नॉर्मल स्कूल के रूटीन से थोड़ा अलग था, तो मुझे उसमें बहुत एडजस्ट करना पड़ा, एकोमोडेट करना पड़ा। कॉलेज में भी हम जल्दी उठते हैं 4 बजे, फिर हम मेडिटेट करते हैं। शुरू शुरू में हम मेडिटेट नहीं करते थे, 45 मिनट के लिए मैं 10 मिनट्स मेडिटेशन करती थी, उसके बाद इस अवसर को मन में सोचते हुए ये समय बहुत बेस्ट है सुबह सुबह उठ के पढ़ने के लिए, मैं उस समय सुबह सुबह उठकर पढ़ती थी, फिर क्लास में जाती थी। तो पूरा जो रूटीन था रात को जागने से, जो हम जागते थे, वो सारा बदल गया। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, तो ये एक तरह की बहुत एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट थी जो मैंने अपने जीवन में की जब मैं पढ़ रही थी, और मैं इसको कर पाई। मैं बहुत यंग थी, 4 बजे उठना थोड़ा उस समय बहुत इजी होता था, मेडिटेशन करना, 4 बजे उठना, अमृत वेला, और अमृत वेला से पहले उठ। मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे इसको प्राप्त करना है, थोड़ा सा समय लगा, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल में हो गया, लेकिन अब जो सुबह का जो समय है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एम था, लक्ष्य था कि मुझे करना है। जब हमें नाइट ड्यूटी होती थी तो फिर से प्रॉब्लम होने लगी, मैं अपनी कोलीग से कहती थी मैं सुबह उठ सकती हूँ जल्दी और ड्यूटी कर सकती हूँ, अपनी ड्यूटी और आपकी ड्यूटी मैं साथ ही कर लूंगी, लेकिन जब मैं और जब मैं सो रही हूँ तो आप ये ड्यूटी कर लें। जो दूसरे होते लेट उठते थे तो हम वहां पर भी कुछ करके टाइम का एडजस्ट कर लेते थे। तो जो मेरा रूटीन था ब्राह्मण जीवन का, वो खराब नहीं हुआ, वो ऐसे का ऐसे ही मेंटेन रहा। तो हम जहां पर भी जाते थे कि आप एकोमोडेट कर सकते हैं कि ऐसी इस चीज में, तो मुझे मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जब मैं मधुबन आई फर्स्ट टाइम,
बहुत बहुत ज्यादा रश था वहां पर, ओवर क्राउडेड था। 1968 में मैं ज्ञान में आई थी। मुझे ये सोच थी कि हम बाबा से मिलेंगे। मेरी पढ़ाई भी चल रही थी तो मैं जा नहीं पाई उनसे मिलने। मेरे मार्च में अप्रैल में एग्जाम थे, मैंने टिकट बुक की थी। जैसे ही एग्जाम खत्म हुए पहले से ही टिकट बुक कर ली थी अप्रैल के महीने में। मैं लेटर लिखा मैंने बाबा को कि मैंने ज्ञान ले लिया है, आपने मुझे अपना लिया है और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बाकी का जीवन आपके साथ व्यतीत करूंगी। मुझे उस पत्र का जवाब तो आया लेकिन मैं मधुबन नहीं जा पाई। मैं पहली बार जब गई थी वहां पर पावर ऑफ पीस, टावर ऑफ पीस और म्यूजियम भी वहां पर खुल रहा था उस समय, पहली बार मैं वहां गई। पहली बार मैं वहां गई थी, बहुत बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी, बिजी था उस समय 1969 के समय। उस समय हमारी पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, ठंड नहीं थी उस समय, गर्मी थी, गर्मी शुरू हो रही थी। मुझे जगह भी नहीं मिली अंदर जाने की, हिस्ट्री हॉल में बैठने की, और मैंने जबरदस्ती भी नहीं किया। मैं संतुष्ट थी बहुत ज्यादा। हिस्ट्री के पीछे जहाँ पर एक विंडो थी, उस विंडो के पीछे वहां पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, वहां पर मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी, मैंने कहा। मेरे को एक छोटा सा कॉर्नर वहां मिला, वहां पर बैठकर मैं अंदर देख रही थी। मैंने बैठ करके वो सुना प्रोग्राम पूरा, तो जो मुरली वहां होती थी, जो मैंने वहां पर पहली मुरली सुनी, फिर मैंने उसको बहुत ज्यादा एकोमोडेशन करा। ऐसा नहीं कि परमात्मा का लव बहुत उसी में आ रहा था, लेकिन बीच में लास्ट में क्या हुआ, बहुत डिफरेंट टाइप की आपदाओं के बारे में बाबा ने बात की। मन की जो आपदा है, शरीर की आपदा है, और नेचुरल क्लेमिटीज के बारे में बात की। और पहली बार 6 महीने के बाद, ज्ञान के बाद, थोड़ा डिफिकल्ट था एकोमोडेट करने का, लेकिन डाइजेस्ट करना नॉलेज को थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं पवित्र थी, पवित्र रहना चाहती थी और बाबा के साथ ही रहना चाहती। और दादी ने मुझे कहा कि तुम फॉरेन कंट्री जाओ। बहुत सारे उस समय इनविटेशन आते थे, कुछ लोगों को तो डिफरेंट सेंटर में उन्होंने पहले ही असाइन कर लिया था। तो मैं पढ़ती रही और इंटर्नशिप भी खत्म करी और जॉब भी ढूंढ रही थी। और दादी ने मुझे कहा कि तुम फॉरेन सर्विस के लिए जाओ। मेरी इंटेंशन थी कि फॉरेन कंट्री जाऊं, लेकिन जिस तरह से हुआ, उन्होंने कहा दोनों सर्विस करनी है, आध्यात्मिक सेवा भी और लौकिक सेवा भी करनी है। मैं उनके साथ, उससे पहले मैं फॉरेन कंट्री में जाती, मुझे एक सेंटर में भेजा गया थोड़ी देर के लिए, जो गामदेवी सेंटर था, 2 बेडरूम का घर था। वहां पर 8 बहनें हम वहां पर रह रहे थे, एक ही वॉश था, तो किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। बहुत मुश्किल था एकोमोडेट करना उस जगह पर। मैं अच्छी तरह से स्टे नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सोचा कैसे कर सकते हैं हम इसको एडजस्ट, ताकि दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से। तो मुझे आइडिया मिला कि मैं अपनी आदत ऐसी बनाऊंगी कि सुबह ही अमृत वेला से जल्दी उठ से अपना तैयार हो जाऊंगी, और अमृत वेला के बाद ही तो सभी सिस्टर्स जो हैं वो चाय वगैरह पीते थे अमृत वेला के बाद,
और नहाते थे, मैं वो वाली हैबिट ना बनाऊं। मैं सुबह उठते ही पहले नहा करके तो पहले ही मैं तैयार हो जाती थी सुबह सुबह जल्दी उठकर। तो बहुत ही अच्छी प्राप्ति थी जो मैंने किया। कितना अच्छा वो हमने एकोमोडेट कर लिया, मतलब हम समा लिया सम एक दूसरे के साथ, तो हमें किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं हुई। फिर उसके बाद और भी बहुत चैलेंजेस आए, जैसे समय आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जो ये शक्ति थी समाने की, जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसी भी गुण को वो शक्ति में बदल जाता है। तो जो वो शक्ति है वो जीवन जीने की कला में बदल जाती है। जो शक्ति है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि समाने की शक्ति जो है वो हमें आ जाती है। बहुत अलग अलग तरीके से हम समझ जाते हैं इसको, समा जाते हैं। तो मेरा ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था समाना के। हमें एकोमोडेट भी करना पड़ता है। मैं अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं, मैं तो ड्राइव नहीं करती। ऐसा नहीं कि आपको, आप अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी ड्राइव कर रहे हैं, अपनी कार को भी सेफ रखते हैं और दूसरों की भी कार सेफ रखते हैं, चाहे वो कैसे भी ड्राइव कर रहे हों। हम जब फॉरेन कंट्री में आए तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर से और नेशन और भाषाओं के लोगों से मिले, अलग अलग तरीके के लोगों से मिले। बाबा ही कर सकते हैं जो हमारे पास द्वारा, नहीं तो हम तो अपने ऊपर नहीं कर सकते थे। आत्मिक अवस्था को समझना, आत्मा को देखना, शरीर को नहीं, हम यही करते आए तो यही परमात्मा ही हमारे से करा सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ये सब। हेमलता बहन, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। मैं इसको, मुझे क्या पसंद आया कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, जब हम इसको फॉलो करते हैं, इसको हम श्रीमत कहते हैं, जो भी प्रिंसिपल होते हैं जब हम उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, अगर हम अंदर से थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और लेजी होते हैं, जैसे ही हमें प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्विच करते हैं, हम अंदर से स्वीट बन जाते हैं और धीरे धीरे हम एडजस्ट कर पाते हैं, एकोमोडेट कर पाते हैं किसी भी नेचर से, संस्कार से और किसी भी परिस्थिति से। तो इसलिए ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें समझ आती है। उस समझ के साथ और उस प्रैक्टिस जो सोल कॉन्शियसनेस की हम करते हैं, तो हमें मैच्योरिटी भी आती है। इस मैच्योरिटी के साथ साथ हम समझते हैं कि हम कि जो लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। तो मैंने अपने जो अनुभव से देखा है, जो लॉस एंजलिस में हम एक साथ में रह रहे हैं, तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। उनके बैकग्राउंड के हिसाब से जो उनकी वृत्ति होती है या उनकी बोलने का तरीका, संबंध संपर्क में आने का तरीका, जब हम फोकस आत्मिक अवस्था पर रखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर आत्मा है, अपना पार्ट प्ले कर रही है। जैसे ही हम अपने आप को इस सोच के साथ एडजस्ट करते हैं, जो वो आत्मा को पसंद है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, आपके भी जो हमारे थॉट्स होते थे वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, कि वो आत्मा को ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो, खुशी हो, तो हमें भी वो वाइब्रेशन आते थे। तो हेमलता बहन की बहुत सारे चैलेंजेस, जो आत्माएं हमारे साथ में होती थी, अलग अलग व्यवहार की, अलग अलग उनकी पसंद होती थी। स्पेशली अब जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बहुत समय से हैं, जो नए लोग अब आ रहे हैं, कैसे आप उसको एकोमोडेट करते हैं? मैं बहुत ही भाग्यशालियों की, मैं इंडिया में पैदा हुई, मैं हर तरीके को हम एकोमोडेट करना सीखे थे।
और मैं वापस कभी भी जा सकती हूँ अपने पुराने समय में, लेकिन जो नए लोग आते हैं, नई आत्माएं आती हैं, नए बाबा के बच्चे जो आते हैं, वो भी अपने भाग्य के साथ ही आ रहे हैं, अपने भाग्य के हिसाब से वो सब कुछ कर सकते हैं, वो जो हम परिस्थितियों से निकल के आए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उनकी अपनी जगह में वो बहुत अच्छे हैं, जो वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आत्मा इस तरह से है, ये आत्मा है। हर व्यक्ति, हर आत्मा जो है वो अपनी स्पेशलिटीज को इस्तेमाल करता है, वो उस अपनी विशेषता को यूज करते हुए कभी कभी हार्ड और इजी लगता है, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ, लेकिन ओवरऑल हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है। इसी को हम पावर कहते हैं, समाने की शक्ति कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखना और ऑब्जर्व करना, जैसे मैं इस जगह पर जहाँ रह रही हूँ, एक आत्मा जो है वो बहुत फास्ट है, और वो एक दूसरी आत्मा जो है वो बहुत ही स्लो है, दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं। तो किस तरह से हम एक के हिसाब से दोनों को हम एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि जेलेसी आ जाती है, क्योंकि हम आरा जो अटेंशन है वो दूसरी आत्माओं की तरफ जाता है, कि वो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं और कार्य को करते हैं, लेकिन दूसरी आत्मा उनको बहुत अच्छी तरह हम समझाते हैं, बहुत धीरे धीरे वो समझते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में मैंने नोटिस किया, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान होने और समझ होने की वजह से, कि उसको समझने की वजह कि सभी का अपना अपना पार्ट है, और किस तरह से मैं देखती हूँ उनकी विशेषताओं को, आंतरिक गुणों को, तो हम बहुत अच्छी तरह एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर हम एक को फेवर करते हैं और दूसरे को नहीं, तो वो कह देंगे कि तुम दूसरे से अटैच होते हैं, तो नहीं, अटैचमेंट नहीं, ताकि सर्विस कितनी जल्दी हो पाए। तो मैंने देखा कि ये हमें एडजस्ट करना होगा, सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट हमने और सहयोग दूसरी आत्मा को भी देना है, ताकि वो भी अपनी सेम जगह पर आ सकें। तो इसको नोटिस करते हुए, समाने की शक्ति को, कि हम समझते हैं दूसरों की विशेषताओं को और उनकी क्षमताओं को, उनकी एबिलिटी को समझते हैं हम, और उसको एकोमोडेट करते हैं और एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और हमें सिंपली पल्स को फील करना होता है और सहयोग देना होता है, ताकि जो भी सेवा है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर हेमलता बहन, कि आपकी जो यात्रा में अलग अलग तरह के लोग जरूर आए होंगे, लेकिन आप अपना अपनी आध्यात्मिकता को बरकरार रखते हुए दूसरों को आप एकोमोडेट करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप अमेरिका में रहते हैं, बहुत फास्ट कंट्री है, और वो जल्दी बहुत फास्ट सोचते हैं, ट्रेवल भी फास्ट करते हैं। जब मैं कैरिबियन कंट्री में आई, तो ये स्लो कंट्री है, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, पर ये लोग बहुत खुश। जब मैं बॉम्बे से आई यहाँ पर, मैंने जीवन अपना बॉम्बे में निकाला था, तो मैंने कहा बाबा ये तो कैरिबियन जो है वो बहुत स्लो है, हम इतनी स्लो कंट्री में कैसे मैनेज करेंगे। फिर मैंने रियलाइज किया, जब मैं कंपेयर करती, जब मैं लाइन में खड़ी होती,
और लाइन में इंडिया में खड़ी होती थी। इन लोगों के पास ज्यादा पेशेंस है, धैर्य है। हम पूरी कोशिश करते हैं इंडिया में कि लाइन में आगे की जाने की, और हम लाइन में खड़े खड़े ही एक दूसरे से बात करना शुरू कर लेते हैं। ये लोग बहुत शांति और धैर्य से खड़े होते हैं लाइन के अंदर, बगैर मुझे लाइन में पेशेंस नहीं होती थी। लेकिन मैं उनकी जो स्पेशलिटी हम देखते हैं, उनकी बहुत, ना सिर्फ वहां पर, बहुत ही अलग जगह पर हम स्पेशलिटी को देखते थे। मैं उनको देखती थी और एक कॉर्नर में ये कितना धीरे धीरे सब कुछ चलता है। यहाँ पर खड़े खड़े क्लास भी कराई जा सकती है, लेकिन मुझे पता था इसको एक्सेप्ट करना है। मैंने इसको एक्सेप्ट किया बहुत सारे एरिया में। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मेरे माइंड में चलता था कुछ एरिया को लेकर। मैं जब इस फॉरेन कंट्री में आई, बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं जो बाबा के ज्ञान में हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में जन्म लिया है उन्होंने। ताकि उनको वीजा और टिकट की प्रॉब्लम नहीं हो, परमात्मा उनको भेजते हैं हमारे पास। जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं, कोई ना कोई परमात्मा हमें किसी ना किसी से मिला देते थे, ऐसी आत्मा के साथ जो ब्राह्मण बनती है या जो हमारे को वो सहयोग देने के लिए हमें मिल जाती थी। जो भी सेवा के लिए चाहिए हो, तथा या ट्रांसपोर्ट या खाना, वो हमें मिल जाता था जहां भी हम जाते थे। तो इसलिए अमेरिका की तरह तो नहीं है, लेकिन और स्पेशली मुझे पसंद आता था कि नेचर बहुत सुंदर है, वेदर भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, प्रकृति बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन बहुत बहुत कम है इस यहाँ पर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। जिस तरह से भी हम एकोमोडेट कर पाए, थोड़ा सा एडजस्ट करके, तो मुझे अब बहुत अच्छा लगता है अपने आप को। बाबा हमेशा कहते हैं कि दो एक्टर्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, वो अनोखे हैं अपने आप में। जो आत्माएं परमात्मा के ज्ञान में आती थी, वो बहुत अच्छी अपने तरीके से होती थी। वो आकर परमात्मा को पहचानती थी, बहुत ही परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। हमें बाबा से कहती थी कि हम यहाँ आए हैं, कितना वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, अपने सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो मुझे अपने में निश्चय था कि जब मैं कहाँ पर भी जाऊं, माइग्रेशन करूं और शरीर भी छोड़ दूं, परमात्मा जो है, परमात्मा का जो कार्य है, वो चलता ही रहेगा इस दुनिया के इस कोने में भी। तो मुझे यही निश्चय रहा, मैं किसी भी चीज को एकोमोडेट कर सकती हूँ। आई एम श्योर कि हम सभी, हम सबके बीच में ये सबसे ज्यादा बहुत खुश रहने वाली हैं, क्योंकि हर कुछ वो नेचुरल है। तो जो फ्रूट है, एवोकैडो, वो इतना बड़ा बड़ा होता है, इतने नाइस और क्रीमी होते हैं। हम इसको ऑर्गेनिक या ऐसा नहीं, वहां पर नेचुरली उस खाने को, फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वर्गिक एक्सपीरियंस है वहाँ का। मुझे याद आता है दादी जानकी ने मुझे सेंटर खोलने को कहा टर्की में, इस्तांबुल में। उस समय वहां पर कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा सीखा पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। जो हेमलता बहन ने कहा कि अमेरिका बहुत फास्ट कंट्री है, जब हम वहां से जाते हैं तो वहां पर सब कुछ इंडिया की तरह था, काफी
स्लो था, जो जो भी वो लोग करते थे उसको बहुत इंजॉय करते थे, पर उस चीज को बहुत इंजॉय करते थे। किसी भी तरह की फैसिलिटी उस सेंटर में नहीं थी, तो हमें सेंटर खोलना था। मैं सबसे पहले उस कंट्री में गई थी पहली बार, तो पहली बात जो थी मुझे उनके लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना था। उस समय मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो बहुत अच्छी तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा, तो हमें वहां पर सीखना होता था सिग्नल से, हम सिग्नल से कम्युनिकेट करते थे। तो मैं सोच रही थी कि परमात्मा ये हमारा समय है जब हमें सीखना है कि इस एनर्जी को बिना यूज यूज किए हम कैसे सिग्नल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और आत्मा थी, बहुत मदद कर रही थी, वो ड्रामा अनुसार दोनों कानों से वो डेफ थी। तो हम कहते थे कि चलो हम अपने फोन लेकर आते हैं, फोन में जाकर देखते हैं, कल देखते हैं, हम जाकर के देखते हैं कौन सी सर्विस हम करते हैं। तीसरे दिन तो हमने फोन को कनेक्ट किया, फोर्थ डे, तो हम फिफ्थ डे हमने किया, तो मुझे पता लगा कि एक दिन में हम 10 चीजें कर सकते हैं। तो मैंने उनसे, बहन से कहा हम आज ही फोन खरीद सकते हैं और आज ही ये काम कर सकते हैं। तो उस बहन ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कहा कि भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे काम भी हो सकते हैं। जो दादी ने कहा, जो दादी की इच्छा थी इसको खोलने की, सेंटर को, तो मेरे को वो धैर्य अपने अंदर बनाए रखना था और आंतरिक आंतरिक तो मैं अपने आप से, परमात्मा से बात कर रही थी और कहती थी कि आपकी गाइडेंस चाहिए, मैं आगे बढ़ती रहूं और दूसरी नई सिस्टर्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी। फिर मैं नोटिस कर रही थी कि जब जो नेचर और संस्कारा और समय, तो वो लोग भी हमारे साथ नेचुरली नेचुरली एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम हो रहे थे वहां पर दो सेंटर अब हमारे हो गए हैं। तो मेन बात थी कि जब हम समझ जाते हैं पर किसी आत्मा की विशेषता और क्षमता को, और हम उससे डिटैच हो जाते हैं और थोड़ा सा उस समय समाते हैं, तो वो भी सेक्रिफाइस करते हैं। तो कभी कभी हम कभी कभी ओके कहते हैं कॉन्शियसली कि हम लेट गो करते हैं, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमें बॉदर करता रहता है। लेकिन फिर भी हम उस समय भी एकोमोडेट कर सकें और बड़े पिक्चर में देखें कि ये करते हैं और ये कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी नेगेटिव हमारे जीवन में होता है, जब हम उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं और उसको हम अनलिमिटेड में देखते हैं, बेहद में देखते हैं, तो हम किसी भी तरह की परिस्थिति से एकोमोडेट कर सकते हैं। दूसरे भी आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव कर सकते हैं और एकोमोडेट करते हैं। जो आपने अनुभव किया वो उसी के हिसाब से, मैं श्योर हूँ कि ये पावर जो है, ये शक्ति जो है समाने की, हम इसको जितना ज्यादा यूज करें वर्थ वाइल तरीके से, तो हमारे चारों तरफ की परिस्थिति जो है वो आसान हो जाती है। जीवन जो है वो बहुत सहज है, सरल है, लेकिन हमारी सोच उसको मुश्किल बना देती है। इस तरह से हम इसको पॉजिटिव लेवल पे देख सकते हैं अपनी मेमोरी के हिसाब से। सेम टाइम मैं कहूंगी सिस्टर सीता कि हमें
ये भी समझना है कि जो कैपेसिटी ऑफ अलग अलग लोगों की, हम स्लो लोगों को फास्ट तो नहीं बना सकते, हम भी स्लो नहीं हो सकते क्योंकि वो स्लो हैं। तो इसलिए एकोमोडेशन का मतलब है, समाने का मतलब है कि हम एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को जैसे वो जिस तरह के हैं उस तरह से हम एकोमोडेशन कर पाए। मैं डिफरेंट तरह के पास्ट पर्सन हूं, मैं थोड़ा, जब मैं खड़ी होती हूँ थक गई हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ आकर, और जब मैं बैठ जाती हूँ तो कुछ मेरे सामने होता है करने के लिए, किचन का काम हो या पेपर वर्क हो, मैं बैठ जाती थी और फिजिकली मैं रेस्ट करती थी। मैं कंटिन्यूसली उस कार्य को करने, मैं दो तीन काम एक साथ ना करते हुए, कुकिंग, वॉशिंग और जो भी कार्य करना होता था, तो मैं टायर्ड हो जाती थी तो मैं बैठ जाती थी, तो बैठने वाला काम करती। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि सभी ऐसे काम करेंगे। जब वो ये फिनिश हो जाता था तो फिर अलग अगला काम करेंगे। मैं उनके लिए बहुत मुझे वो रहम भाव आता था, बट लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना होता है। अगर मेरी कैपेसिटी अलग अलग एरिया में है जो वो नहीं कर पाते, तो मुझे उसको एक्सेप्ट, हो सकता है उनकी कैपेसिटी जो है मेरे से ज्यादा हो किसी और एरिया में, तो मुझे उनको एक्सेप्ट करना होता था। तो ये जो गट थिंग होती है कि हम एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिलाते हुए चलें, हार्मोनियस होके चलें, अगर कोई बहुत व्यक्ति फास्ट है और उसका एरिया वो आया है, तो उसके साथ में हम किसी ना किसी तरह समानुकूलता बनाकर चलें, उसको अपने अंदर एडजस्ट करके चलें। इंस्पायर का मतलब ये नहीं कि वो चेंज हो जाते, इंस्पायर का मतलब होता है वो प्रेम करते हैं आपसे, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी भी सेंस में हो, वो काम पढ़ाई का काम हो, तपस्या का काम हो या मुरली का काम हो। और आई टेल देम, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि वो भी दूसरे कर पाए जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है। वो जो भी कर रहे हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हमारी प्रेजेंस को वो स्वीकार करते हैं और उसका किसी तरह की शक्ति और पावर हमें मिलती है क्योंकि हम ये डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं वो, मेरे साथ में एक बहन थी, वो पढ़ाई कर रही थी और मेडिटेशन भी करती थी, वो, मैं इतनी सीरियस नहीं थी, जो भी तुम बहन कर सकती हो वो मैं कर लूंगी। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जो आप अपने तरीके से कर रहे हैं उसमें और पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करना। तो प्लीज अप्रोच इस तरह से ना करें कि जो अप्रोच जो मुझे प्रेरणा मिलती है तो मुझे कुछ पार्ट ऑफ मैं उसका चेंज करती हूँ। जो भी इन्होंने किया है, मैं शुरू में बहुत खुश और महसूस करती थी, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बारे में नहीं आया। तो ये बहुत ही सच है कि हम, इसीलिए ये नाइस है कि हम इसको समझें कि हम दूसरों को करेक्ट ना करें,
सिर्फ उनको बताएं कि आप ये नहीं कर रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी पर हम फोकस ना करें, उनको कोऑपरेशन दें, सहयोग दें जो वो कर रहे हैं। हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं जो कर रहे हैं उसमें हम उनको सहयोग दें, तो सोर्स जो है वो उनको भी गिल्टी फीलिंग नहीं आती है कि अगर हम ऐसा सोचें कि वो सुपीरियर है या हम, तो वो जो चाहे जैसा चाहे फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो रिलेशन है वो गुड रहती है। मेरी ही यात्रा नहीं, कोई भी सीनियर जब भी मैं किसी के साथ रह रही हूँ, वो मुझे 3 बजे के मेडिटेशन में उठा देते थे। तो मैं उनको कहती थी प्लीज जो भी बेसिक है वो मैं करती हूँ, जो कोई स्पेशल प्रोग्राम होते थे वो भी करने होते थे, लेकिन जब मैं अपनी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती थी तो वो लोग एक्सेप्ट करते थे। ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। लेकिन मैं हमेशा ये सीनियर जो होते हैं, हमारे जो कोलीग होते हैं वो भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें महसूस हो जाता है कि जूनियर्स के साथ भी बहुत प्यार प्यार से रहना है। वो अपनी चीजों को आप ही कर रहे होते हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बातचीत चल रही थी। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए अपने प्रैक्टिकल जीवन से जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है एकोमोडेशन को बनाने के लिए। जो थोड़ी वैल्यूज हैं आप बताएंगे, अगर हम एक्सेप्ट करना चाहें लोगों को और अल्टरनेटिवली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक और प्रश्न, पावर ऑफ एक्योमोडेशन की एक जो है वो एक एक सागर की तरह है। एक सागर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो जो दूसरे डर्टी व्यक्ति होते हैं उनके जो है दूसरों की हम नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना करें, जैसे वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, देन जी एज जो होती है वो 20 से 40 तक होती है, और वो सिर्फ ये इंडिपेंडेंटली उसको काम करते हैं। तो वो लोग जो है वो अपने सेपरेट रूम उनको चाहिए होते हैं और अटैच बाथरूम उनको चाहिए, तो वो अपना कार्य अलग से करते हैं। तो हम किस तरह से उनको बताएं कि पहली चीज जो है कि उनको कहें कि पहले वो एडजस्ट करें, और दूसरा कैसे वो लाइन कैसे एंजॉय जो है हमने ऐसे लोग देखे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनके अंदर ये चीज होती है कि वो सोचते हैं कि हमें फ्री हो जाएं। थैंक तो मैं एक आत्मा अलग अलग परिस्थितियों से निकल कर आई हूँ, अलग अलग रास्तों से निकल कर आई हूँ। मेरे मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं कि ऐसी चीजें होती हैं उनके साथ हमें रहना होता है, लेकिन एक साइड जो है वो फ्रीडम और ये
कुछ ना कुछ तरह का एक स्पॉट होता है अंदर जो कि हमें बदलना होता है। उस समय कोई प्रॉब्लम आती है तो जब हम इंडिपेंडेंट बनते हैं तो हम किसी के साथ में समटाइम्स तो बहुत अच्छा जाता है ज्यादातर तो, लेकिन अलग तरीके का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हम कहते हैं कि लोग करना चाहते हैं, मैं वो चांस लेना चाहते हैं, सभी स्वतंत्रता को देखते हैं और वो जानना चाहते हैं। मैं शब्द यूज करूंगी लेट गो। लेट गो मतलब हम लेट गो करते हैं परिवार को, कुछ लोगों को, बच्चे, फैमिली, अगर वो सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेट गो का मतलब है मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम जैसे अभी हो, उस समय मैं तुम्हें जाने नहीं देती। हम ये कहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप करना चाहें आप करो, कोशिश करो, लेकिन मैं बीच में पार्ट नहीं लेना चाहती। हम फिजिकली हम लेट गो करते हैं। आध्यात्मिक तरीके से हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम अच्छे वाइब्रेशन भेजें, गुड फीलिंग दें। परमात्मा के इस ज्ञान में आने के बाद हम बहुत ज्यादा हम करना चाहते हैं, कोई विड्रॉ करना चाहे, हमसे फ्री होना चाहे, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेट गो करते हैं। आध्यात्मिक तरीके से हम लेट गो नहीं करते, उनको हम अच्छी ब्लेसिंग्स भेजते हैं ताकि मुश्किल के समय पर उनका मन जो है वो हमारी तरफ या परमात्मा की तरफ लग जाए, सही समय पर उनको सही हेल्प मिल जाए, कहीं से भी उनको मिल जाएगी, परमात्मा से, फ्रेंड से, किसी से भी। तो हमें ये महसूस नहीं करना, हमें नेगेटिव नहीं महसूस करना होता। हमारी गुड फीलिंग्स, शुभ भावनाएं काम करती हैं, अपनी परेशानियों को वो दूर कर पाते हैं, अपनी रिक्तता को भर पाते हैं, अपनी अकेलेपन को या खालीपन को, कोई भी परेशानी आती है वो उसको उनकी रास्ते में जो भी आता है, हम ये नहीं कहें कि वो हमारे पास नहीं आते, वो कहाँ पर भी जाएं उनकी कहीं ना कहीं से उनको हेल्प मिलती है। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना और परमात्मा की ब्लेसिंग होती है। तो ज्यादा बोलना काम नहीं आता, हम लेट गो करते हैं, लेकिन हम योग की शक्ति से ऐसा कर सकते हैं। जब भी कोई अवसर आता है, जब वो आते हैं, कोई मुश्किल होती है, हम गलत भाषा नहीं यूज करते, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए हुआ, हम ऐसा नहीं कहते उनको। हम कहते हैं कि जब भी आओ, जैसे भी वो वापस आते हैं, हम उनको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हेल्प हम कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। एक्चुअली काफी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी परिस्थितियों को, बच्चों की जो के साथ जनरेशन गैप है उसको महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो मैंने क्या देखा कि हम ट्रेडिशनल हैं और वो यंग जनरेशन है, वो रिसाइकलिंग सोल है, बहुत सारी मैच्योरिटी उनके अंदर होती है, वो सुनना नहीं चाहते। वो जब पेरेंट्स जो हैं, मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप एडवाइस ना दें, एडवाइस तो फ्री होती है, जब फ्री होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम अपनी एडवाइस ना दें। माँ और बाप ना बन के उनके लिए रहें, उनके फ्रेंड बने। जब हम फ्रेंड बनते हैं तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि ये शुड और बट नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट करें एक दोस्त की तरह, और पता लगे कि वो उनको क्या पसंद है। मेरे समय पर हम ऐसे करते थे, हम ये कहते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसे करते थे, वो पास्ट था, लेकिन हम अब इस समय में हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के जीवन में रह रहे हैं, वो मैच नहीं करती पुरानी बातें, तो ये गैप होता है।
तो बीच में जो कई चीजें डिसअपीयर हो गई हैं, हमें उनके साथ एडजस्ट करना होता है, एकोमोडेट करना होता है। बहुत सेंसिबल हैं वो बच्चे और मैच्योर भी है, उनका एज कम है, तो हमारी हम ये सोचते हैं कि उन्हें क्या पता होगा, हमें ज्यादा पता है, लेकिन हमें सुनना है उनको जो भी वो कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्माएं हैं जो हमारे साथ में रहती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप इस परिस्थिति में, इस सेवा में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं सभी की बात सुनती हूँ और फिर मैं कहती हूँ इस तरह से करेंगे, तो वो फिर कॉपरेट भी करते हैं। हम इक्वली उनको रिस्पेक्ट करते हैं और जो वो कह रहे हैं हम उसको लिसन भी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो भी परिस्थिति के हिसाब से हम करते हैं, जो यंगस्टर हैं वो भागते नहीं है। मैंने मैंने ये देखा है कि सेंटर में हमारे कोई ऐसे, जब हमें कोई ऐसे कहता है कि हम कुछ ऐसे 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 काम करना है, तो वो लोग काम होते हुए भी कई वो लोग भाग जाते थे क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता। मुझे एक टैक्ट फाइंड करना पड़ा कि काम भी हो जाए और वो एंजॉय भी करें और थोड़े समय में हम ज्यादा काम कर सकें। तो हमें देखना होता है कि क्या वो पसंद करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, और उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह समाप्त तो हो जाता है। वो सेंटर में आते हैं, उनको वो वायुमंडल देना कि किस तरह से हम कर सकते हैं, हमेशा उनसे पूछना, तो बहुत एक हार्मनीज हम संस्कारों को मिलाकर मिलनसार बन के हम कार्य करते हैं, तो हम भी समझते हैं हम उनको, तो वो कोई किसी की आलोचना नहीं करता। हम एक दूसरे को ये नहीं कह रहे कि क्या करना है, हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे को समझते हैं और कार्य को करते हैं, और जो वो नहीं करते हम मैं उसको फिनिश कर देती हूँ। जो आध्यात्मिक मेरा अपना आध्यात्मिक अकाउंट भरता है तो एक अपलिफ्टिंग की फीलिंग भी आती है ताकि वो और इस बात को एंजॉय करते हैं। ये नहीं कहें कि करना, आपका मतलब है कि जो वो कर रहे हैं एक साइड में और उनकी कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसमें रेस्ट चीज आप कर लेते हैं, और या फिर आप किसी से कह लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि एक साधारण बात को क्यों नहीं समझ पाते। तो जब हमारे अंदर ये वाई आ जाता है, हमारे अंदर ये हैवीनेस आ जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर एक डॉट है जो हम लगा देते हैं ओम शांति, और धीरे धीरे हम करते हैं, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो सही रहता है। जो भी वो करते हैं इस ब्लेस्ड होता है, और जो वो छोड़ देते हैं वो मेरा भाग्य है, मैं उसको खत्म करती हूँ। इस तरह से मैं एकोमोडेट करती समाती हूँ और रात्रा जो है वो बहुत अच्छी हो जाती। बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत तरीके से आपने इस बात को समझाया किस तरह से हम जेंसी से एडजस्ट कर सकते हैं। दो सिमिलर प्रश्न आए हैं, दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ। एक बहन है जो कह रही हैं वो एक शादी उनकी हुई थी, 16 साल वो मैरिज में थी, हस्बैंड जो है उनको छोड़ गए और उनकी बेटी को भी मैंने एडजस्ट किया और एक्सेप्ट किया और एकोमोडेट भी किया जब हम एक साथ में रह रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा फायदा हुआ जा रहा था। इसी तरह जैसे ऑफिस में किसी ने प्रश्न कहा है कि मैंने अपनी जर्नी ब्रह्मा कुमारी में शुरू करी है, मैं एक्सेप्ट भी किया और टॉलरेट भी किया, लेकिन वो मेरे सर पर बैठ जाते हैं, वो हमारा एडवांटेज लेते हैं अगर हम वो एक्सेप्ट करते हैं। एक तो होम सिचुएशन है और दूसरी जो है वो वर्क प्लेस है, तो किस तरह से हम इस परिस्थिति में पावर ऑफ एकोमोडेशन में डालते हैं और हमारी शुभ भावनाएं भी उनकी तरफ से ना जाएं, तो
तो मुझे महसूस होता है कोई भी हमारा फायदा नहीं चाहता। जब हम अलाउ करते हैं तभी वो हमारा फायदा ले सकते हैं। तो हमें युक्ति युक्त होना होता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। जब हम करते हैं फिर हमें डिटैच होना होता है। करने के बाद हमें ये नहीं कि हमें वाह वाह मिले, हमें उससे डिटैच होना होता है। हम कहते हैं कि हमने ये करा, तो जब हमने ये किया तभी वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते तो मन में बात आती है। तो मैं कहूँ कि कोई भी हमारा फायदा नहीं उठाता। अगर हम अलाउ करते हैं तभी हमारा वो ही हमारी कमजोरी है। जब हम एकोमोडेट करते हैं उनके व्यवहार की तरफ से, बहुत आसानी से हम उनके दिल को जीत सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव कहता है। मैं महसूस करती हूँ जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम मर्यादा उनकी हम अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं और दूसरों का नहीं, तो हम रिजिड हो जाते हैं। तो हमें जो भी जरूरी है हमारे जीवन में हम उसको फॉलो करते हैं। जो भी हम एकोमोडेट कर पाते हैं हमें एकोमोडेट करना चाहिए उनके साथ। हमें पूरा सहयोग देना चाहिए उनके साथ। वो हो सकता है वेजिटेरियन खाना भी ना खा रहे हों और हम वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो हम उनको कंपनी दे रहे हैं। और कभी वो हमारे साथ बाहर भी जाना चाहते हैं, हमें उसको भी समाना होता है कि हमारा समय व्यर्थ हुआ। ऐसा नहीं महसूस कि हमें थोड़ा बहुत हम अपने आप को थोड़ी एरिया में रिलैक्स भी करें और एकोमोडेशन भी जरूरी है करना। जब हम स्ट्रांग हैं, हमें शक्तिशाली होते हुए हमें अपने आप को कि हम डर होता है कि अगर हम उसे चला जाएगा या हम उसे छोड़ देंगे, या जब हम राजयोगा करते हैं हमें तो प्यार कम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जो डर है किसी को खोने का हमारे मन में आ जाता है, वो डर हमें दूसरों के साथ वो रिलेशन महसूस नहीं कर सकता। मैंने देखा कि जब कोविड आया था तो जो हमने मर्यादा और जो नियम करे तो वो लोग हम फैमिली में क्लास में नहीं आए, तो लोग जो है वो परिवार से अलग हो गए। क्योंकि हमारे मन में डर था कि हमारे मन में ये डर था कि हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये अटैचमेंट का पार्ट होता है, ये डर जो होता है हम महसूस करते हैं कि हमें फॉलो करना है। हम कहते हैं कि दूसरों को भी फॉलो करना होता है। कहीं पर ये रिजिडनेस भी आ जाती है, हम खूब ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो दूसरे लोग हमारे साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। हमें उस एरिया में थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। थैंक यू। एक प्रश्न को मैं बढ़ाता हूँ कि चैट में प्रश्न पूछा है कि मैं लोगों के साथ बहुत एकोमोडेट करता हूँ, उनको एडजस्ट भी करता हूँ उनके के साथ, मैं उस सफर भी करता हूँ उनकी जो कमियां और कमजोरियां होती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सफर हमें परमात्मा पर सबको छोड़ना होता है बाबा के ऊपर। जब हम ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं तो ये ओल्ड फोर्स होता है, तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना होता है। परमात्मा हम वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। जब हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं तो हम सफर करते हैं, तो हम कहते हैं कि दूसरा भी परमात्मा का बच्चा है। हम सारा फोर्स नहीं लेते, हमारा बोझ कम हो जाता है कि दूसरे परमात्मा इस कार्य को करा रहे हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा चाहते हैं मुझसे ये करवाना, हमें अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। हम ये क्यों समझते हैं कि हम एडवांटेज ले रहा है कोई हमारा, या हम ही एडजस्ट कर रहे हैं। ये सब फीलिंग को हम साइड में रख
देते हैं और कहते हैं कि परमात्मा जो है वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, परमात्मा ही है जो ये सब करा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा होती है, ये नहीं कि हम वो क्या चाहते हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे हमें निराशा होती है। अगर हम किसी से आशा रखते हैं तो हम उस चीज को अगर एक साइड में रखें तो क्या प्राप्ति होती है। किसी से जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, मन में जो थॉट आती है कि नेगेटिव तरह की, कि हम मास्टर हैं, मालिक हैं, हम क्रिएटर हैं अपनी सोच के, हम उसको कैसे और ज्यादा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सफर नहीं करते, और जो शुभ भावना है वो भी उनकी तरफ जाती है, तो वो भी आपको शुभ भावना शुभकामना भेजते हैं। वंडरफुल। हमारे पास थोड़े और प्रश्न हैं, हमारे पास 5 मिनट है। एक प्रश्न आया है कि कंट्रीज में जो बॉर्डर इश्यू होते हैं, यानी कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री थोड़ा सा जो पीस ऑफ लैंड, थोड़ी सी भूमि को वो चुराना चाहते हैं, कैसे हम एक कंट्रीज को सिखा सकते हैं एक दूसरे को अकोमोडेट करना, वर्ड्स और एक्शन से नहीं कर सकते, हम उस शक्ति में रह सकते हैं अपने संकल्पों की। जब हम अपने मन की शुभ भावनाएं जोड़ते जाते हैं तो समय आएगा ये सारी कंट्रीज मिलकर के एक हो जाएंगी। मैं ये कैसे करूं, मैं ये कैसे क्यों, प्रश्न ना करें, अपनी शक्ति जो योग की शक्ति है, अपने वाइब्रेशन है, उनको फैलाएं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जो शुभ भावनाएं हैं उनको बदल दें और एक ही बाउंड्रीज बन जाएंगी, कोई दो बाउंड्री होगी ही नहीं। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए इसमें। हमारी ड्यूटी जो है परमात्मा के बच्चे होते हुए, परमात्मा के विशेष बच्चे होते, हम किसी के भी साइड में नहीं है। हम इसके वो गवर्नमेंट ऐसा करते, हमें सिर्फ हमें न्यूट्रल होकर रहना है, पर योग की शक्ति दोनों को ही देनी है। कभी कोई आएगा तो ये बात की करेगा, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो हम परमात्मा के आगे रखते हैं। कोई कहता मेरे बच्चे जो है वो सिक है, बीमार है, तो हम क्या करें, बट हम उनको साकाश भेजते हैं और हम परमात्म याद में बैठते हैं। और परमात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति आया, उनका बच्चा बीमार है और वो चाहते हैं कि हम बेटर आए, कि मैं अपनी इच्छा परमात्मा के आगे रखते हैं, जो मुझे कहा है परमात्मा ने, कहा आप जानते हो कि उनके लिए अच्छा क्या है, बच्चे के लिए और परिवार के लिए, और हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और हम गुड वाइब्रेशन जो है वो उनकी तरफ, उस आत्मा की तरफ वो वाइब्रेशन भेजते हैं कि सब अच्छे से अच्छा ही उनके साथ हो, हम किसी के कर्मा के साथ इंटरफेयर नहीं करते। ये नहीं कहेंगे कि ये हम एक नारद मुनि की तरह न्यूज परमात्मा को बता देते हैं कि ये हो रहा है, एक नारद मुनि की तरह कोई समाचार हम सुना देते हैं परमात्मा को, बट हम खुद न्यूट्रल रहते हैं, अपने ऊपर उस बात का फर्क नहीं पड़ने देते हैं। जो बेस्ट हो उनके लिए, अच्छे से अच्छा हो वही हो, मैं अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हम कर सकते हैं और आकाश सबको भी देते हैं। पॉलिटिक्स में भी हम ज्यादा एंटर नहीं करते, किसी भी बातों में हम नहीं पड़ते, हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। जो भी वो मुझे कहते हैं, परमात्मा का जो संदेश है वो हम सबको देते हैं, परमात्मा को जाकर उनकी बात कर देते हैं, जो उनके लिए बेस्ट हो वही हो। परमात्मा को पता है कि उनके लिए हम उनके कार्मिक अकाउंट में हम अनएंटर नहीं करते। कि हमें अपने फ्यूचर में अपने लिए क्या करना है, जो भी होता है होता हो, हम अपना अपनी अवस्था को शांत रखते हैं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम परमात्मा के बच्चे किसी भी बात में लिख आते हैं, वो हमारे
पास आकर बताते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि परमात्मा को हम बताएंगे तुम्हारी बात, तो दोनों आंसर को इन एहसास के साथ हम मैं सराउंड नहीं करें और शुभ भावना और शुभ कामना भेजें। मैं हम अपने समय से थोड़ा आगे निकल गए हैं, ये मंथ है वो दादी प्रकाश मणि का महीना है, जो हमारी वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हैं 1969 से 2007 तक, उन्होंने 40 साल का समय निकाला और वो बहुत ही जान पॉपुलर रही हैं एडजस्टमेंट के लिए, एकोमोडेशन के लिए। एक पर्सनल एग्जाम्पल आप दादी का दे सकते हैं कि वो बहुत एकोमोडेटिव रही हो, बहुत ही क्विक स्टोरी समय को देखते हुए। परमात्मा जो है वो बहुत, वो दादी जो थी वो बहुत प्यार, उनके अंदर प्यार भरा हुआ था, प्यार से तो कहीं भी वो पीछे नहीं देखती थी, लेकिन वो अगर वो एडवाइस देती थी किसी बात में आप नहीं करें या करें, वो नहीं देखती थी, वो ये नहीं कहती थी कि ये फॉलो करोगे तो फायदा होगा, वो कुछ नहीं कहती थी, जो परमात्मा का प्रेरणा होती थी वो बात को, बहुत ही अनलिमिटेड परमात्म प्यार था और वो दूसरों को देती थी, इसलिए हम लोग सरवाइव कर पाए हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा कि जब कि वो मधुबन में थी, एक मेन कोर्टयार्ड पांडव भवन में थी, एक मधुबन पास मधुसूदन का निवासी जो है वो उनको पास करके गया, वो चला गया और उसने ओम शांति नहीं कहा, लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो दादी ने उनको कहा ओम शांति, उस व्यक्ति को कहा और उसने कहा और देखा और वो चला गया। तो मैंने दादी से कहा आप कैसे इस व्यवहार को सहन करती हैं? दादी ने कहा अगर तुम हमेशा रहम दिल रहो तो तुम दूसरों के दिलों को जीत सकते हो, अपनी साइड को नहीं जाने दो। जैसे मैंने ओम शांति का, अगर उसने नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, अपनी जो स्टेज है उसको हमें बनाकर रखना है, शुभ भावना और शुभ कामना उस व्यक्ति के लिए। फिर वो थोड़ी देर में आत्मा वापस आई और उन्होंने कहा कि मैं कुछ डिस्टर्ब था तो मैं इसलिए आपको कुछ नहीं कर सकता था, हेलो नहीं बोला, ओम शांति नहीं बोला। किस तरह हम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना बनाए रख सकते हैं, ऐसी हमारी दादी प्रकाश मणि थी, बहुत सुंदर। 25 अगस्त जो है वो उनका मेमोरियल डे होता है। थैंक यू सो मच। पच्चीस अगस्त को वो अव्यक्त, 25th, जब दादी ने अपना शरीर छोड़ा था तो मैं वहां पर थी, मैं हम 24 की रात को पहुंचे थे, 25 के सुबह उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बहुत ही सुंदर डिपार्चर था, वो चली गई दादी सार जब थी तब मैं वहां पर थी, इतना दिव्य तरीके से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, प्रश्न उठाने से था हुआ, अचानक से हम उसको हमने एकोमोडेट किया और बस पॉइंट बने रहे और अंत में हम पॉइंट ही बने रहे। थैंक यू, मैसेज बहुत अच्छा था, इसीलिए हम इस महीने को मनाते हैं, ये दोनों वैल्यू को, एकोमोडेशन और इंटीग्रिटी जो अगली वैल्यू है। बहुत ही थैंक यू आपका, बहुत 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 प्रैक्टिकल, आपने आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देकर समझाया, बहुत थैंक यू। हम सिस्टर अनु से कहूंगा कि वो शुक्रिया अदा करे। थैंक यू मनोज भाई, बहुत सुंदर शक्ति भी थी और ये गुण भी है एकोमोडेशन, आप लोगों के साथ हमने इसको, आपने अपने पर्सनल एग्जाम अपने शेयर किए, आपने बहुत
हाँ, बहुत गहरी लाइट आपने इस पर डाली है, बहुत सारी बातों में। हम लोग दोबारा से इसको चेक करेंगे सेशन को, हम इस पॉइंट जो हमारे लिए जैसे हैं, लता दीदी ने कहा हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए एकोमोडेट करने का, कि हम पहले तो कि हम एकोमोडेट करना चाहते हैं ये हमारा डिसीजन हो, और एक बार जब आध्यात्मिक यात्रा हम शुरू करते हैं तो हमें अनुभव करना है एकोमोडेशन का क्या। और जैसे गीता दीदी ने कहा कि मुझे एडजस्ट करना है, मेरे अंदर धैर्य होना चाहिए एकोमोडेशन, और जो उनके संस्कार हैं उसके अंदर से मैं उनको मदद करती हूँ कि वो भी ओपन हो अकोमोडेट करने के लिए। तो बहुत सुंदर एक्वेडेशन है, बहुत सुंदर आंसर रहे हैं। और फिर तुम उनको भी मदद करते हैं कि वो आध्यात्मिक तरीके से ऊंचा ग्रो करें। बहुत सुंदर आपने शेयर किया दादी प्रकाशमणि के बारे में। थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा आप शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका। हम बहुत खुश हैं कि आप हम दोबारा से पॉइंट जो है वो लेंगे, और हम इससे पहले कि हम एक फोटो भी लेते हैं अंत में, अभी हम चलते हैं। जो आने वाले प्रोग्राम है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। पहले हम एक हफ्ते के बाद हमारे पास साथ वर्कशॉप होगी, वैल्यूज वर्कशॉप 96 के ऊपर एकोमोडेशन। हम पहला घंटा एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसके बारे में हमारी साथ बातचीत के लिए होंगे। दूसरे आवर में हमारे साथ बहन होंगी, मेडिटेशन और बातचीत होगी एकोमोडेशन, और सिस्टर टीना के साथ ये हमें ग्लोबल हार्मनी हाउस से ज्वाइन करेंगी। ये 10 अगस्त को होगा, सैटरडे को, सेम टाइम पर। अपने कैलेंडर में मार्क करें और हमें ज्वाइन करें, और उसके साथ जो है वो सेशन होगा 97 इंटीग्रिटी, अखंडता, अनडिवाइडेड जो इंटीग्रिटी, ये 17 अगस्त को होगा, सैटरडे को, 2 हफ्ते के बाद। और उसके लिए हमारे साथ में सीनियर सिस्टर सुधा दीदी हमारे साथ में होंगे रशिया से, ये जनरल डायरेक्टर हैं वहाँ पर मॉस्को में, रशिया में, ये हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इसको इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज, ये जो दिए हुए वेबसाइट, ये हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वैल्यूज फॉर लाइफ प्लेलिस्ट है, वैल्यूज वर्कशॉप की भी प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप जाकर पुराने प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू, हम आपके साथ मिलेंगे अगले सेशन में, मेडिटेशन करेंगे। पहले हम फोटो ले लेते हैं और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। हम ये सुंदर अवसर को मिस नहीं करना चाहते। आप अपने वीडियोस को ओपन कर सकते हैं फोटो में आने के लिए। हम क्लोजिंग मेडिटेशन के साथ फिनिश करते हैं। ये मेडिटेशन या दृष्टि, आप जो दोनों अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। सॉन्ग और दृष्टि, बैठ।
यू, आप सबका बहुत बहुत, हम सिस्टर हेमलता को बहुत शुक्रिया करते हैं। हम कैरिबियन से चाहते थे कि कोई हमें ज्वाइन करे। सिस्टर गीता का बहुत शुक्रिया हम करते हैं दूसरी बार आने के लिए। हेमलता बहन ने कैसे एकोमोडेट किया और हमारे साथ प्रोग्राम में आए। थैंक यू हेमलता बहन, थैंक यू गीता बहन, थैंक यू दोनों का बहुत शुक्रिया। हम सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शांति।